नमस्कार, कशिश न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। वाराणसी के छोटी कटिंगा मेमोरियल स्कूल ग्राउंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। सीएम ने पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के बीच प्रमाण पत्रों का वितरण किया है। इसके साथ स्मार्ट क्लास का लोकार्पण भी किया। सीएम ने क्यूआर कोड आधारित डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन योजना का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे, सीधे ले चलते हैं। उग्रवाद और नक्सलवाद चरम पर था, भ्रष्टाचार तत्कालीन सरकार की पहचान बन चुकी थी, युवा बेरोजगार था, व्यवसाय अस्त व्यस्त थे, बुनियादी सुविधाओं का अभाव था और स्वतः रोजगार का कोई पुरसा हल नहीं था। भारत दुनिया के अंदर अग्रणी राष्ट्रों में नहीं बल्कि सबसे पीछे की पंक्ति पर खड़ा हुआ एक तमाशबीन राष्ट्रों के साथ खड़ा होता था, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता था। इंफ्रास्ट्रक्चर देश का अत्यंत खराब था। ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्टिविटी की बात तो दूर, तो बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती थी। और जो सरकारें थी वे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे चढ़ करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी। भारत को भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति न करने का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए तत्कालीन सरकारें षड्यंत्र करती थी। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं। इन 14 वर्षों में हमने एक नए बदलते हुए भारत तो इन 10 वर्षों में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक भारत जो भारत विकास भी कर रहा है, विरासत पर भी गौरव की अनुभूति कर रहा है। एक भारत जिसके पास आज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवे, रेलवे, वाटरवे, एयरवे, गांव की बेहतरीन कनेक्टिविटी भी है। गांव में सड़कें, अच्छी सड़कें बन रही है, हर घर नल की योजना क्रियान्वित हो रही है, गरीब के लिए आवास बन रहा है, गरीब के लिए शौचालय बन रहे हैं, गरीबों को फ्री में राशन भी मिल रहा है, गरीबों को चूल्हा योजना के कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं, हर घर बिजली के बाद हर घर नल की योजना सफलतापूर्वक क्रियान्वित होती हुई दिखाई दे रही है। विकास भी है, लोक कल्याण भी है और आस्था का सम्मान भी है। कोई सोचता था कि काशी विश्वनाथ धाम इतना भव्य बनेगा? कोई सोचता था काशी की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी होगी? आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता था कि काशी में इतनी एयर कनेक्टिविटी होगी? आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता था कि काशी की वाटरवे की कनेक्टिविटी होगी? आज से 10 वर्ष पहले काशी की सड़कें 4 लेन की बनेगी, यह अपने आप में कल्पना थी। यहां के घाट इतने सुंदर होंगे, ये कोई सोचता था? यहां के मठ और मंदिरों की व्यवस्था का सुंदरीकरण होगा, उसकी विरासत को उसकी पहचान मिलेगी। आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता था कि प्रयागराज का कुंभ भव्य और दिव्य भी हो सकता है?